नगर परिषद कुल्लू द्वारा ढालपुर चौक पर कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर नगर परिषद के कर्मचारी व अधिकारियों ने लोगों को मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किए, साथ ही लोगों से साफ सफाई रखने की भी अपील की गई। नगर परिषद कुल्लू द्वारा कोरोना वायरस को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर परिषद ने लोगों को मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किए। नगर परिषद कुल्लू के उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि नगर परिषद की पूरी टीम अपना कार्य बखूबी कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों व रेहड़ी फड़ी साथी मजदूरों को भी कोरोना वायरस को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर कुछ दिनों तक लोग सरकार का सहयोग करेंगे तो हम इस जंग को जीत जाएंगे। गोपाल कृष्ण महंत ने कहा कि अगर नगर परिषद के कर्मचारी कूड़ा इकट्ठा करने ना आए तो सभी लोग अपने घरों में कूड़ा इकट्ठा करके रखें। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम होगा, नगर परिषद के कर्मचारी इस कूड़े को लेने आ जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। जैसे नगर परिषद की बात है, नगर परिषद में हमारे जो है कर्मचारी सारे हमारे जो सदस्यगण हैं युद्ध स्तर पर जो इसके लिए काम करें, जैसे आपने सभी को खास करके हमारे रेड़ी फड़ी वाले जितने गरीब लोग हैं जो दिन को अपने दिहाड़ी कमाते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। एक हफ्ता तक जो है इस ढंग से चला, क्यों एक हफ्ता तक इसके फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में जो है एक हफ्ता तक हम जितना भी इसमें करेंगे वो अच्छा है। अगर हम इसमें पूरा संघर्ष, अगर आप लोगों को दिक्कत है ठीक है, हमारे खास करके जो रोज मजदूरी करते हैं उन्हें दिक्कत आ रही है, तो लेकिन इसमें जो पूरा साथ देना है उस अगर थोड़े दिन की दिक्कत करने से अगर हमें फायदा होता है, क्योंकि ये महामारी है, अगर इसमें हमारी जान जाती है, अगर हमें कुछ इस तरह से जो है हम कोई बीमारी फैलने का डर है तो इस करके कुछ नहीं है। अगर हम कुछ दिन जो अपना घर के अंदर ही रहें, अगर जरूरी काम से बाहर निकलना है तभी आएँ और कम से कम जो है बाहर निकलने की कोशिश करें। और ख़ास करके जितना हमारा जो नगर परिषद में हम कहेंगे जितने हमारे नगरवासियों को, हमारे मैक्सिमम फिर भी लोग जो इस के लिए बाल कूड़ा इकट्ठा करने या सफाई कर्मचारी आते अगर ना आए तो कृपया अपना कूड़ा जो है संभाल कर रखें। फिर भी हम जैसे इसका जो होगा इसका प्रकोप कम होगा तो हम फिर इसमें जो है घर घर फिर दोबारा शुरू करेंगे। वैसे तो लगातार हम शुरू है, हमारे सफाई कर्मचारी जो इसके बधाई के पात्र हैं, इतना होते हुए भी रोज इसमें जूझ रहे हैं, तो इस ढंग से जो है खास करके सबसे बड़ा जो है सफाई रखें। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।